इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाइम टेबल के ऊपर, कैसा टाइम टेबल होना चाहिए नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स क्लास नाइन के प्रिपरेशन के लिए। इसमें मेन फैक्टर क्लास सिक्स के रिलेटेड रहेगा और नाइन्थ का भी रहेगा। अगर आप क्लास सिक्स से हैं तो आप नाइन्थ वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे उसको रिप्लेस कर दीजिएगा, जो टाइम है वो अपना सब्जेक्ट को ही डाल दीजिएगा। लेकिन आपको इन टाइम टेबल के अलावा एक चीज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो है कि अपने अंदर एक मोटिवेशन, अपने अंदर एक ऐसा आग जो कि ये टाइम टेबल को फॉलो करा सके। क्योंकि टाइम टेबल तो हर कोई बना करके दे सकता है कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो, इतने बजे पढ़ो, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन और टाइम टेबल को फॉलो कराने में आपके अंदर का वो आग काम करेगा, आपके अंदर के वो कमिटमेंट काम करेगा जो कि आप अपने दिमाग में सोचे हो कि मुझे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो करना है। इस वजह से आपको टाइम टेबल को तो देखना ही देखना है, लेकिन अपने अंदर वो मोटिवेशन ढूंढना है, वो अपने अंदर वो सारी चीज़ें ढूंढना है जो कि आपको मोटिवेट करें टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए। मैं बता दूँ, रियली बताऊँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 24 लाख के हिसाब से मतलब हर साल फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 50,000 नहीं 46,000-47,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। आप देख सकते हो कि कहाँ 24 लाख, कहाँ 46,000 बच्चों का सिलेक्शन। और हाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में 3,000-4,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से बस 80 या 40 बच्चों का सिलेक्शन होता है, सीट के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज 80 सीट बच्चों का सिलेक्शन होता है जिसमें गर्ल्स बॉय दोनों का रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल बॉयज ही रहेंगे, ऐसा नहीं है केवल गर्ल्स ही रहेंगे, हर मतलब जो जेंडर इक्वेरिसी है थोड़ा बहुत सही तरीके से सिलेक्शन होता है। तो आप पहले से ये सोच लो कि मुझे अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना है तो आखिर क्यों करना है मेरे अंदर। आपके अंदर तो एक वजह होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। मुझे इस एग्ज़ाम में इसलिए बैठना है क्योंकि मैं अपने आप को वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ तक मैं सोचता हूँ। मैं IAS बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या किसी भी टाइप में म्यूजिशियन में क्रिकेटर जो भी बनना चाहता हूँ, तो मैं ये मेरा पहला कदम होगा किसी अच्छे चीज़ को पाने के लिए, अपने दिमाग अपने टाइम अपने एनर्जी को सही जगह पर लगाने के। आपके अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए जो कि मैं अगर नहीं भी कुछ कर पाता हूँ तो मैं बहुत चीज़ें करना सीख जाऊँगा। तब इसी तरह हम बताते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे पढ़ना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट हैं और कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब टाइम टेबल को देखते हैं। सुबह का रूटीन, सुबह 6 बजे आप उठ जाइएगा, 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप जितनी सारी प्रक्रिया होती है कर लीजिएगा, ब्रेकफास्ट हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट हो, सारा कर लेना है। और साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सारी चीज़ों को। 7 बजे से लेकर के 7:30 तक आपका स्कूल होता है, तब उनको स्कूल के लिए चले जाना है। और हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से मतलब इंडिया में देख रहे हो, हर स्कूल का हर क्षेत्र का टाइम अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना कि कब जाना है। थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे करोगे तो सारा चीज़ें सही हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप कर लेना। और बात रहा कि आपका स्कूल हावर जो रहता है मंडे टू फ्राइडे, कई जगह होता है मंडे टू सैटरडे होता है, लेकिन मैं मंडे टू फ्राइडे लेकर चला हूँ ओवरऑल इंडिया को लेकर के। अगर मंडे टू सैटरडे है तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। मैं पूरा ओवरऑल इंडिया के लेकर के मैं इस टाइम टेबल को बनाया हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि भैया कैसे बना दियो आप इन सारी चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले आप 8 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक यानी 2:30 PM तक आपको स्कूल में रहना है। स्कूल में जो भी पार्टिसिपेट कराया जाएगा, जो भी प्रोग्राम होगा, जो चीज़ें होंगी, आपको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी है। जो चीज़ें होंगी सारी अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सब कुछ छोड़ दे रहे हो, नहीं। आपका वो भी एक लाइफ, वो भी एक ज़िंदगी है, उसको भी जीना चाहिए। और वहीं आफ्टरनून का रूटीन बता दूँ, 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच आप स्कूल से घर चले आओगे, छोटा सा ब्रेक ले लोगे, उसके बाद से 3 से 4 बजे तक सो जाओ या रेस्ट लो, क्योंकि वहाँ तक पूरा स्कूल में थके थके रहना, पूरे क्लास अटेंड करना, थक गए रहोगे, तो 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रिचार्ज के लिए पूरा अच्छे से मैंने कर दिया है। उसके बाद से पोस्ट स्कूल स्टडी, मतलब कि आप कोई कोचिंग जाते हो, ऑनलाइन कोचिंग करते हो, तो 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आप स्टडी, मतलब कि जो भी कोचिंग वाले हैं वो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेना, या नहीं पढ़ा रहे हैं आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, और आधे घंटे का 5:30 से लेकर के 6 बजे तक आप शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो। आप सोचोगे भैया शॉर्ट ब्रेक आधे घंटे का मेरे साथ नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं इसलिए इतना बड़ा रखा हूँ क्योंकि आप छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे हो, लो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा सोचोगे कि थोड़ा सा और चीज़ें करते हैं या ये
देख लेते हैं। मतलब मैं आपको इसलिए इतना हैक्टिक नहीं बनाया हूँ कि 10 मिनट ब्रेक ले लूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि आप अभी छोटे हो, ज़्यादा चीज़ें अगर पढ़ाई से ही फ्रस्ट्रेट हो गए, पढ़ाई से ही बर्नआउट हो गए, बर्नआउट होने का मतलब होता है कि पढ़ना ही नहीं, बस हो गया मैंने ये पढ़ूंगा, 10 दिन पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया, नहीं 30 मिनट का ब्रेक जो है आप उसमें टीवी देख सकते हो, खेल सकते हो, सारा चीज़ें अपनी मस्ती वाली चीज़ें कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं बनाया हूँ कि जिससे आप सभी लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो। और आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो आप बुक तो ढूंढ ही रहे होगे, तो आप सभी लोगों के लिए एक बुक ढूंढ करके ला दिया हूँ। और नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए 2024 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का आया, ये सबसे अच्छा बुक है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके खरीद सकते हो। और इस बुक का खास बात यह है कि अगर आप इस बुक को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, इस बुक में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो और इतना ईमानदारी से सॉल्व करते हो कि आप सोल्यूशन से पहले नहीं देखते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद से देखते हो, यकीन मानो जो आपका सिलेक्शन का जो परसेंटेज है 50%, वो बढ़ करके 95% हो सकता है। आपको बस इस बुक को खरीद लेना है और जितना जितना हो सके पढ़ाई करते रहना है, इस बुक से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, इस बुक को इतने अच्छे से यूज करना है जितना आपने सोचा नहीं होगा, एक एक पन्ने आपके दिमाग में छपे होने चाहिए इस बुक के। तो इसको खरीदने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके खरीद सकते हो। बात करते हैं इवनिंग स्टडी सेशन का, जो कि आपका इवनिंग स्टडी सेशन तो वहाँ तक 6:30 से लेकर 6 तक आपका रेस्ट था, वहीं 6 से 7:30 तक आप स्टडी कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अगर आपका लैंग्वेज है तो हिंदी पढ़ सकते हैं, आधे घंटे मतलब 1.5 घंटे तक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें अपना ठीक कर सकते हैं। अगर क्लास 9th में और 6th में तो अपने हिसाब से थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट कोई और पढ़ना हो तो इसमें एडजस्ट कर देना डे वाइज करके, जब टास्क सेट करना तो। लेकिन यही चीज़ अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली करते हो तो आपका बहुत सही जाने लगेगा। 7:30 से लेकर 8 तक आपको डिनर कर लेना, रिलैक्सेशन कोई एक्टिविटी कर लेना, टीवी देख लेना है, ज़रा टीवी नहीं देखना है, जितना आपको ये टाइम है उसी के हिसाब से देखना है। और वहीं नाइट स्टडी का बात करूँ, 8:30 से लेकर 9:30 तक आपको स्टडी करना है, साइंस पढ़ना है, साइंस में क्लास 9 का बात करूँ, अगर क्लास 6 में है तो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 1.5 घंटे के बीच में, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं आप अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका अलग अलग चीज़ें होती है ना, किसको क्या पसंद है, किसको किस में वीकनेस है, किसको क्या चीज़ें चाहिए, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। अगर इस पे वीडियो चाहते हो तो मैं सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सभी लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे दोस्त थे जो कि मेरे साथ पढ़े, अपनी चीज़ें बताए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं उन लोगों के पास पहुँचाते हो जो कि मैं चाहता हूँ उन लोगों के पास पहुँचाना। देखिए नाइट स्टडी हो गया 8:30 से लेकर 9:30 तक, और वहीं 9:30 से लेकर 10 तक आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा, ब्रेक लेने के बाद से मस्तियाँ कर लेना है थोड़ा सा, उसको 10 से 10:30 तक आपको रिवाइज कर लेना है, जो जो चीज़ आज पढ़े हैं वो सारा चीज़ें रिवाइज कर लेना है, मेंटल एबिलिटी के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना हो तो कर सकते हैं। 10:30 से लेकर सुबह 6 बजे तक आपको बहुत अच्छे से नींद लेना है, बहुत अच्छे से सपने में एकदम मस्त मस्त सपने आए कि आप पास हो गए हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे सपने आए आप आगे बढ़ते रहो। और वीकेंड का प्लान है, जगह अगर आप सैटरडे का बस सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो उसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, अगर केवल संडे को छुट्टी रहता है तो इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। संडे के दिन देखिए वीकेंड के लिए अलॉटेड ये टाइम है, मतलब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, 7 बजे आपको उठना है, मस्त चील 7 से 8 बजे उठना है, फ्रेश होना है, जो भी हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है कर लेना है, 8:00 से लेकर 10:00 बजे तक आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है और 10:00 से लेकर 10:30 तक एक छोटा सा ब्रेक ले लेना है। और वहीं मिड मॉर्निंग स्टडी सेशन 10:30 से लेकर 12:30 तक आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में आप इंग्लिश की जगह कुछ और भी पढ़ सकते हो, अपने मन पसंद जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो वो भी पढ़ सकते हो। और आफ्टरनून स्टडी सेशन का बात करूँ 1:00 से लेकर 3:00 बजे तक आप कोई भी सोशल स्टडी मतलब साइंस का बात करूँ यहाँ पे आप साइंस पढ़ सकते हो, अगर क्लास 6 में हो तो आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, मेंटल एबिलिटी कर सकते हो, और हिंदी के लिए तो यानी लैंग्वेज और इंग्लिश के लिए तो ऊपर है ही है। 10:30 से लेकर 12:00 बजे तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और 3:00 से लेकर 3:30 तक आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, छोटा सा ब्रेक पावर नैप हो या जो खाना पीना हो कर सकते हो, मतलब नाश्ता वगैरह होता है ना शाम का इवनिंग वाला वो कर सकते हो। फिर से 3:30 से लेकर 5:00 तक आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अगर क्लास 9 में है तो आप साइंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और 5:30 से लेकर 5:30 तक आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा। इसमें ब्रेक है क्योंकि आप बर्नआउट ना हो जाए, आप ये मत समझने लगो कि पढ़ाई सबसे बोरिंग चीज़ हो, सबसे अजीब चीज़ होती है, नहीं आप
पढ़ो, छोटा सा ब्रेक लो, पढ़ो छोटा सा ब्रेक लो। और ये रहा इवनिंग शेड्यूल, 5:30 से लेकर के 7 बजे तक आपको स्टडी करना है। सोशल साइंसेस में लिखा हूँ, जो कि 9 के लिए है या 6 में है, तो आपको जो स्कूल का सब्जेक्ट है यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, जो आपका चल रहा हो उसे ऐड कर लीजिएगा इस दिन को। 7 से लेकर के 7:30 तक आपको डिनर कर लेना है और रिलैक्सेशन, कोई वर्क कर लेना, टीवी देखना है टीवी, थोड़ा सा गेम खेलना हो गेम खेल सकते हो। और वहीं 7:30 से लेकर के 9:30 तक आपको सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं और सैंपल पेपर लगाना हो लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर जो मिले रहते हैं, कोचिंग्स में हो, ऑनलाइन कोचिंग्स करते हो, या खुद को ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो, या ऐसे ढूंढ रहे हो कि ऑनलाइन कैसे घर पे फ्री में तैयारी कर सकते हैं, कैसा है, मतलब कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म में कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आपको बस कमेंट करके बताना है, भैया बता दीजिए कि मुझे कैसे फ्री में ऑनलाइन YouTube से पढ़ सकते हैं, एकदम अच्छे जगह से, अच्छे क्वालिटी में, फ्री में, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कमेंट करके बता दूँ, मैं आप सभी लोगों के लिए एकदम जेन्युइन हेल्प करने वाला हूँ। तो बस कमेंट करके बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और लाइक पसंद आए तो लाइक कर देना, ऑब्वियस ही बात है पसंद आ जाए। वहीं 9:30 से लेकर के 10 PM के बीच में आपको रिलैक्सेशन, कोई वर्क कर लेना है, फिर से एक अलार्म घड़ी तो होना चाहिए ना आपको सुबह उठाने के लिए, सारा चीज़ें करने के लिए। तो अलार्म घड़ी का मतलब ये है कि आप अपने भाई को बता दीजिए कि मैं इतने बजे तक ये चीज़ करूँगा। अपने स्टडी टेबल पे ये सारे स्क्रीनशॉट लेकर के चिपका दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चिपका दीजिए मेंटेन करके अपने हिसाब से। थोड़ा सा जो टाइम है उसे मैनेज करके चिपका दीजिए कि आप पढ़ने कब जाते हैं, आते कब हैं, पढ़ते कब हैं। इस तरीके से आप टाइम टेबल वाले चीज़ों बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय।